अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। आजकल हर बंदा पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ है, अपना पासपोर्ट अपडेट करवा रहा है और पाकिस्तान से जाने की सोच रहा है। और एक जो मज़े की चीज़ हमें यूट्यूब पे नज़र आ रही है, हर बंदा कंसल्टेंसी दे रहा है, हर बंदा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके का अपडेट्स बता रहा है कि आप किस वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो मैंने भी उन वीडियोस को देखा। उन वीडियोस को देखने के बाद मैंने गूगल किया, तो मैंने कहा कि मैं जो खुद से आपको एक चीज़ की अपडेट दूं, तो क्यों ना हम कनाडा में मुकीम किसी ऐसे पर्सनालिटी से, किसी बंदे से बात करें कि जो वहाँ पे मुकीम हो, और उनसे पूछें कि कनाडा आना कैसा है, यहाँ कनाडा में ये जो न्यू ब्रांसविक प्रोविंस के जो वीज़े दिए जा रहे हैं फ्री में, क्या उसमें क्या हकीकत है। तो मैंने, मेरे जहन में सिर्फ एक ही बंदा आया और वो थे राणा उमैर। राणा उमैर को कौन नहीं जानता, सोशल मीडिया की जान है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा एतबार वाले बंदे हैं। मैं इनके साथ एज अ कुली काम भी कर चुका हूँ। तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि उमैर भाई, मुझे ये चंद सवालात के जवाब दें, और ये मुझे पता है कि इन सवालात के जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। उमैर भाई, मुझे बताएं कि कनाडा शिफ्ट होना आसान है, मुश्किल है, क्या है? थैंक यू सो मच आबिद। वेल, कनाडा शिफ्ट होना आसान भी है और मुश्किल भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई। कहने का मकसद ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस सिनेरियो में कनाडा आ रहे हैं। आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, आप इमिग्रेशन लेके आ रहे हैं, आपको आपके किसी फैमिली मेंबर ने स्पॉन्सर किया है, बिजनेस वीजे पे आ रहे हैं, असाइलम ले रहे हैं आप, या फिर पिछले कुछ अरसे में जॉब से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कनाडा मूव हो रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस सिनेरियो में कनाडा मूव हो रहे हैं। और उसके साथ साथ ये चीज भी बहुत मैटर करती है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से फॉरवर्ड हो रही है, आपके जो पेपर्स हैं, आपके जो बाकी सारे प्रोसेसेस हैं, क्या वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो पाकिस्तान से केस प्रोसेसिंग है वो काफी स्लो होती है। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपकी मुल्क की अनस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी की सिचुएशन है और बहुत सारे मामले आ जाते हैं जो कि हम यकीनन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यह फैक्ट है कि पाकिस्तान से आप किसी भी सिनेरियो में कनाडा मूव करना चाहते हो तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू गेट योर केस प्रोसेस्ड। तो मैं कहूंगा कि यस, ये कभी कभार मुश्किल भी हो जाता है बहुत सारे सिनेरियोज में। बहुत शुक्रिया उमेर भाई। अच्छा उमेर भाई, मुझे तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि कनाडा शिफ्ट होना तो दूर की बात है। चले हमें थोड़ा सा विजिट वीजा के बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी बताएं। भाई ये बात बिल्कुल सही है कि पीआर तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पीआर लेना भी यहाँ का एक बड़ा, आप कहते हैं ना, पहाड़ चढ़ने के मुतरादिफ होता है। लेकिन जहां पर विजिट वीजे की बात आती है, तो विजिट वीजा कुछ सिनेरियोज में आपका इजिली प्रोसेस हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सिनेरियोज में विजिट वीजा भी रिजेक्ट हो जाता है। आप इवन के घूमने फिरने की नीयत से कनाडा आना चाहते हैं तो तब भी जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स के तहत आपको एवेलुएट करती है, क्योंकि उनको इस बात का शक होता है कि यहां पर आकर आप स्किप कर जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, और माजी में अनफॉर्चुनेटली इस तरह के बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, तो इस वजह से विजिट वीजा भी कभी कभार मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ठीक है। उमेर भाई मुझे ये बताएं कि विजिट वीजा लेके वहां आकर पीआर अप्लाई करना कैसा रहेगा? विजिट वीजा लेकर पीआर लेना उतना आसान नहीं है जितना पिछले कुछ अरसे में इंटरनेट पे आपको डिफरेंट वीडियोस में बताया जा रहा है। आप जब विजिट वीजा लेके यहां पर आते हैं तो फिर आपको यहां पर ढूंढना पड़ता है एम्प्लॉयर, और यहां के एम्प्लॉयर्स का तो अब नखरा ऐसे कोई आसमानों से बातें कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि डिमांड बहुत हाई है, खास तौर पे पाकिस्तान से। तो यहां पर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं अगर आपने विजिट पे आके यहां पर वर्क परमिट लेना है। अगर मैं रफली इसका एस्टिमेट दूं तो ये प्राइस स्टार्ट होती है 25 से 30 हजार डॉलर से, और ये जाती है तकरीबन कोई 70-80 हजार डॉलर, और कई सिनेरियोज में तो 1 लाख डॉलर तक भी ये कॉस्ट चली जाती है। ये सारा डिपेंड करता है कि आप किस प्रोवेंस में लैंड कर रहे हैं, किस सिनेरियो में लैंड कर रहे हैं, और आपके एम्प्लॉयर के जो है वो क्या सिलसिले हैं। सो इट इज नॉट दैट इजी जितना लोग इसको समझते हैं। उमेर भाई, अब मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ। क्या कैनेडियन गवर्नमेंट फ्री वीजा, फ्री टिकट दे रही है? यार, फ्री वीजा और टिकट की तो आज तक मैंने तो कोई चीज या सिनेरियो नहीं सुना। कुछ केसेस में होता ये है कि जब रेफ्यूजीज, जिस तरह सीरिया से बहुत सारे रेफ्यूजीज पिछले कुछ सालों में आए हैं
और अभी भी आ रहे हैं, तो उनको कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज बहुत दी गई हैं, और उन फैसिलिटीज में उनको एक मंथली अलाउंस जाता है और बाकी काफी सिनेरियोज में उनकी हेल्प की जाती है जॉब ढूंढने में या फिर उनकी ट्रेनिंग करने में, लैंग्वेज कुछ लोग जो है वो जुबान अंग्रेजी प्रॉपर नहीं बोल पाते हैं तो उनकी अंग्रेजी जुबान की क्लासेज होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये फ्री जो टिकट और वीजे की जो बात है ये कम अज कम मैंने अपनी कम्युनिटी में तो नहीं सुनी है। हो सकता है कि भाई ये केस चलता हो कहीं पे, कुछ ना कुछ इस तरह की जुगाड़ लगती हो जो कि मेरी नॉलेज में तो नहीं है, तो इस वजह से ऐसी अफवाहों से आप जरा बच के रहें। मैं भी हमारे सुनने में आया कि न्यू ब्रंसविक एक नया प्रोविंस है, एक नई जगह है जहां पे कनाडा गवर्नमेंट लोगों को शिफ्ट कर रही है और वो फ्री में वीजा, फ्री में टिकट्स दे रही है। न्यू ब्रंसविक जो कि कनाडा का बहुत ही जबरदस्त सूबा है जहां पर सर्दी भी बहुत शदीद पड़ती है, फ्री वीजा तो वहां पे भी नहीं दिया जाता भाई। ये फिर वही वाली बात है कि अफवाहें और खास तौर पे जो आपके रॉन्ग नंबर्स हैं, यानी कि जो आपके वो वाले इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जो कि लोगों को सब्ज बाग दिखाकर लूटते हैं, वो इस तरह के जो है वो सिनेरियोज में आपको कहते हैं जी फ्री वीजा, फ्री सब कुछ मिलेगा और उसके बाद आपसे अच्छी खासी रकम भी जो है वो मांग लेते होते हैं। तो ये उधर जो मंजर है अगर थोड़ा सा बिक जाए उनका तो बहुत सारे लोग जो है उनके ट्रैप में आ जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का सिनेरियो नहीं है। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जरूर होता है, जिस प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में ये बहुत जरूरी है कि आपका कोई स्ट्रांग कॉन्टैक्ट जानने वाला उस प्रोविंस में मौजूद हो जो कि आपको स्पॉन्सर करे, ठीक है। अब उसमें डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं जिन प्रोफेशंस में आप उस मुल्क में उस प्रोविंस में जो है वो आप जा सकते हैं, लेकिन उसका भी एक पूरा क्राइटेरिया होता है, उसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है और उसमें भी जो है वो यकीनन अमाउंट अच्छी खासी इन्वॉल्व होती है। तो फ्री तो भाई आपको कोई अपना पसीना भी ना दे, आप फिर विजिट वीजे की कहां पर बात कर रहे हैं। आप क्या मशवरा देते हैं कि हमें कनाडा मूव करना चाहिए, क्या हमें कनाडा आना चाहिए, कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? वेल, ये सवाल मुझसे बड़ा रेगुलर बहुत सारे दोस्त अहबाब पाकिस्तान से, दुबई से और पूरी दुनिया से करते हैं, भाई कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो इसका बड़ा ही सिंपल सा जवाब है, हाँ बिल्कुल कनाडा आना चाहिए। कनाडा एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही जबरदस्त मुल्क है। I call it a land of opportunities for those जो कि जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। आमतौर पर यह बड़ा कॉमनली देखा गया है कि जो लोग यहां पर मौजूद होते हैं उनसे जब कोई पूछता है कि भाई हम कनाडा आए या ना आए, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो बड़ा डिस्करेज करते हैं और ऐसी एक पिक्चर देते हैं कि भाई लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी तो यहाँ पे जिंदगी कुछ नहीं है। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो आप कनाडा छोड़ के चले जाएं। जिनकी अच्छी चल रही है तभी तो वो इस मुल्क में मौजूद हैं, अदरवाइज क्यों आप इस मुल्क में रहेंगे। सो कनाडा एक बहुत जबरदस्त मुल्क है, अगेन एज आई सेड इट इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज जो कि ग्रो करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। यहां पर आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है और ये मुल्क आपको बहुत सारे मौके फराहम करता है कि आप एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारें। तो यस, कनाडा बिल्कुल आना चाहिए। बहुत शुक्रिया उमेर भाई, आपकी बातें हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। मैं आपको शायद एक दो दफा और तकलीफ दूं, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। आपकी बातों से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना कि असल में हकीकत क्या है। थैंक यू सो मच आबिद, आपकी ऑडियंस से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट तो नहीं हूं, लेकिन मेरे आसपास मेरे सर्कल में बहुत सारे ऐसे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं जिनसे रेगुलर बेसिस पे जो है वो बातचीत रहती है, डिफरेंट सिनेरियोज जो है वो डिस्कस होते रहते हैं। और अगर आप में से भी कोई सीरियसली इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है कनाडा या किसी भी सिनेरियो में कनाडा आना चाहते हैं, तो आपको यकीनन मैं कनेक्ट करा सकता हूं कुछ बड़े ही जबरदस्त किस्म के इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के साथ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं उनकी रेपुटेशन को इतनी खास अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अहबाब, बहुत सारे लोग जो कि पाकिस्तान में इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के थ्रू अपना केस प्रोसेस करते हैं, उनको बहुत ज्यादा जो है वो फाइनेंशियल लॉस भी हो चुका है और कभी कभार वो कंसल्टेंट्स पैसे लेके सब्ज बाग आगे गायब हो जाते हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की एक सबसे जो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इस वजह से क्योंकि यहां पे लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स होते हैं और खुदा ना ख्वास्ता किसी भी सिनेरियो में अगर वो आपके साथ कोई दो नंबरी मारते हैं या कोई हैंड करते हैं
तो फिर उनका लाइसेंस जो है वो दाव पे लग जाता है। आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं और यहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो सख्त से सख्त एक्शन लेते हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा रेफर करता हूँ, इनफैक्ट मैं प्रेफर करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट के लिए जाएं तो कोशिश करें कि चेक करें पूरा और यहाँ का जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है उसको प्रेफर करें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा बात होगी। बहुत शुक्रिया उमर भाई, अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।